मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों की निधन के बाद भी दाढ़ी बढ़ती है, लेकिन सच क्या है इसके बारे में वैज्ञानिक रिसर्च भी बहुत कम हुई है। मौत अपने आप में एक रहस्य की तरह है। मरने के बाद क्या होता है, इसकी खोज में कई लोग आज भी जुटे हैं। मौत पर कई तरह के दावे किए जाते हैं। अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद बाल और नाखून लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? असल में मरने के बाद इंसान के शरीर की अलग अलग कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। नाखूनों के बढ़ने के लिए नई कोशिकाओं का पैदा होना जरूरी है और ग्लूकोज के बिना ये संभव नहीं। नाखून करीब 0.1 मिलीमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ते हैं और ये गति उम्र बढ़ने के साथ कम होती है। मृत्यु ग्लूकोज की आपूर्ति पर रोक लगा देती है। इस तरह नाखूनों के बढ़ने पर भी रोक लगती है। बालों के साथ भी यही होता है। हर बाल फॉलिकल में होता है जिसमें ये बढ़ता है। फॉलिकल के मूल में बालों का एक सांचा कोशिकाओं का समूह होता है जो विभाजित होकर नई कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं जिससे बाल लंबे होते हैं। ये एक मिथ है कि इंसान की मौत के बाद भी नाखून और बाल बढ़ते हैं। दरअसल मरने के बाद शरीर के अंदर खून की सप्लाई रुक जाती है जिससे त्वचा सिकुड़कर सूखने लगती है, जिसकी वजह से मरने के बाद हमें बाल और नाखून बढ़े हुए लगते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।